गोल्ड गिरवी रखकर कर्जा लेना। देखिए ये टोटली डिपेंड करता है बिटवीन जो जो शख्स गिरवी रखना चाहता है और जो बिजनेस ऑनर है उनके बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिस्क करना जायज़ नहीं है, बिल्कुल करना जायज़ है। एक तो ये है कि जब वो सोना रखे और जो कर्ज़ा ले उनकी एक वेरी क्लियर एग्रीमेंट है कि मैंने ये सोना लेना है या इस डेट को मैं दूंगा या इस डेट से पहले दूंगा, अगर डेट डिले हो गई तो उसमें वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। सो देयर आर मेनी मेनी कंडीशंस हैज़ टू बी मेट। तो दोनों में आपस में सेटलमेंट होना एक पॉइंट पर बहुत ज़रूरी है। और मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादातर देखा गया है कि लोग कोई बात को रियल क्लेरिफाई नहीं करते तो बाद में वो चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। सो दे हैव टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम कि मैं गिरवी रख रहा हूँ और इतना पैसा मैं कर्ज़ा लेके जा रहा हूँ और वो कर्ज़ा ले रहा हूँ उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा और ये कब वापस करेगा, किस सूरत में वापस करेगा। सो दे हैव दे ओन म्यूचुअल एग्रीमेंट, दे हैव टू एग्री अपॉन ऑन द सेम पॉइंट्स के दोनों एग्री हों उसके ऊपर, देन ही रखना जायज़ है।